हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एच डी पर। फ्रेंड्स, हमारे इसी में हम रेस्टोरेंट बुकिंग सिस्टम पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं पीएचपी के फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर के होते हुए। तो आइए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम हमारे प्रीवियस वीडियो में इसके कैश ऑन डिलीवरी मोड तक का इसका पेमेंट सेक्शन हम डन कर चुके हैं। आज हम इसके वॉलेट सेक्शन पर वर्क करेंगे। तो वॉलेट सेक्शन पर वर्क करने से पहले हम थोड़ा इसका एडमिन पैनल में मैनेजमेंट करेंगे। तो एडमिन पैनल में अभी तक हमने प्रोडक्ट्स रिलेटेड देन कैटेगरी यहाँ हमने मैनेज की है, हमने यहाँ पर यूज़र मैनेज नहीं किए। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़र को मैनेज करना है। तो हम यहाँ पर यूज़र की लिस्ट डिस्प्ले कराएंगे जो हमारी इस टेबल के अंदर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको यूज़र्स टेबल के अंदर यहाँ पर यूज़र की लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। तो हम इन्हें यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले कराएंगे। तो हम इसके लिए ओपन करेंगे एडमिन पैनल। तो एडमिन पैनल के लिए हम फ्रंट एंड की सारी फाइलें क्लोज कर देंगे। ओपन करेंगे हम एडमिन और हम चलेंगे व्यू में। तो यहाँ पर हम यूज़ होम के जस्ट नीचे एक फाइल इंक्लूड करेंगे यूज़र्स, देन यहाँ पर हम देंगे एडमिन स्लैश यूज़र्स और एडमिन के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे यूज़र्स करके। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे फंक्शन यूज़र्स और यहाँ पर हम सारे यूज़र फेच करके लाते हैं। तो हम यहाँ देते हैं यूज़र लिस्ट इक्वल्स टू डॉलर दिस माय मॉडल देन सिलेक्ट डेटा देन यूज़र्स और यूज़र्स के बाद हम देंगे कॉमा देन हम सारा डेटा हमें चाहिए और हम यहाँ से प्रिंट करते हैं डॉलर यूज़र्स लिस्ट देन सेमी कॉलन और यहाँ पर हम लेंगे एको प्री लगाएंगे जिससे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर शो होगी। देन हम यहाँ कैसे करेंगे रिलोड, तो यहाँ हमें यूज़र की लिस्ट ऐड हो चुकी है। देन क्लिक करने पर हमें यहाँ पर यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अब हमें यहाँ पर इसका व्यू लोड कराना है। तो हम वही व्यू लोड कराएंगे जो एडमिन होम का हो रहा है बेसिक। देन यहाँ पर हम बनाएंगे डॉलर डेटा, देन डेटा के अंदर हम इसे एज अ की पास करेंगे। देन इसके कुछ बेसिक पैरामीटर हैं तो हम वो पास करेंगे यहाँ से। यूजर्स देन सेव, तो यहाँ पर यूजर्स शो हो रहे हैं। देन अब हमें यहाँ के इसके मेन सेक्शन पर इसका डेटा डिस्प्ले कराना है। तो इसका हम पेज क्रिएट करेंगे यूजर्स करके। तो न्यू फाइल देन हम इसे सेव करेंगे व्यू फोल्डर में एडमिन। देन यहाँ से हम इसके यूज़र्स नाम की फाइल क्रिएट कर लेंगे यहाँ से देन सेव। तो यहाँ आ चुके हैं और इसके बाद हम एडमिन डैशबोर्ड वाली फाइल हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लेंगे यूज़र्स और इस ऑयल को हम करेंगे एम्प्टी देन खाली करते हैं और हम इसे करेंगे अगेन रिलोड। तो हम इस फॉर्मेट में इस जगह आ रही है तो हम सारी डेटा इसमें से हम हटाएंगे। अगेन हम इसमें डेटा चेक करते हैं कि हमारा डेटा किस पोजीशन पर आ रहा है, तो इस पोजीशन पर आ रहा है। तो इसके अंदर हम ड्यू बनाएंगे एंड इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो इसे करते हैं हम इंस्पेक्ट इसका मार्जिन टॉप हम थोड़ा सा कम करेंगे और इसे हम यहाँ से इसका मैनेज करेंगे। तो इसकी जो मार्जिन टॉप होगा वो हम देंगे 61। नहीं नहीं 61 हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इस पर टेबल बनाएंगे TR हैश देन नेम ईमेल मोबाइल नंबर और
वॉलेट अमाउंट होगा यहाँ पर, वॉलेट अमाउंट अमाउंट, देन इसके बाद हम यहाँ पर यूज़र्स की फॉर इच लूप लगाकर यूज़र्स लिस्ट को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ देंगे डॉलर यूज़र लिस्ट एस डॉलर यू एल, देन यहाँ पर देंगे डॉलर आई इक्वल्स टू वन, देन देंगे टी आर टी डी एको डॉलर आई इंडेक्सिंग पर्पज से, देन इसके बाद हम इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराएंगे। तो हम यहाँ देंगे डॉलर यू एल के अकॉर्डिंग सबसे पहले नेम ईमेल एम नंबर, तो हम देंगे नेम एंड कॉपी पेस्ट करेंगे ईमेल एम नंबर, देन लास्ट में हम एक और फील्ड यहाँ पर ऐड करेंगे अमाउंट अमाउंट, देन यहाँ पर हम फील्ड ऐड करेंगे पासवर्ड के बाद अमाउंट, देन से देंगे वेयर केयर 250 और उसे हम एज डिफाइन करेंगे जीरो, तो डिफ़ॉल्ट जीरो होगा। देन अगेन हम यहाँ से करेंगे इसे रिलोड, देन हम इस पर एक क्लास लगाएंगे टेबल, देन करेंगे रिलोड। तो ये कुछ इस तरह से होगा डिस्प्ले, जिसमें नेम आ रहा है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है और वॉलेट का अमाउंट विजिबल हो रहा है। तो अब हमें अगला हमारा ये होगा कि हमें जो वॉलेट का अमाउंट है एडमिन ऐड कर पाएगा, हमें इस तरह का कोई फीचर इसमें प्रोवाइड कराना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे लास्ट में एक और फील्ड ऐड करेंगे एक्शन, तो यहाँ देंगे हम इसे टी डी एक्शन और यहाँ पर हम करेंगे और यहाँ पर देंगे इनका टेक, इसके देंगे हम जावा स्क्रिप्ट कॉलन सेमी कॉलन, देन यहाँ देंगे इसे एडिट और इस पर हम क्लास देंगे btn hyphen btn primary, देन इसे करते हैं रिलोड। तो ये हमारा एडिट का बटन बन चुका है। देन इसके लिए हम यहाँ पर देंगे एको बेस URL एडमिन स्लैश एड अमाउंट, देन यहाँ पर हम देंगे इंडेक्स डॉट पी एच पी स्लैश देन सबसे लास्ट में हम यहाँ पर इसमें प्रोवाइड करेंगे यूज़र की ID कॉपी डॉट ID देन सेव, देन अगेन हमसे करेंगे रिलोड। देन जैसे हम एडिट पर क्लिक करते हैं तो हमें ये फंक्शन बना एड अमाउंट, यहाँ पर हम इस फंक्शन को ऐड करेंगे डॉलर आईडी कॉपी एंड पेस्ट अमाउंट, एंड यहाँ से हम हटाएंगे और यहाँ पर हमारा व्यू होगा एड अमाउंट और हम एक फाइल क्रिएट करेंगे एड अमाउंट करके, एंड हम चलेंगे व्यू फोल्डर में एडमिन, देन यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। इस फाइल को हम क्रिएट कर दिया है और यूज़र फाइल का हम पूरा HTML सीरीज इसमें पेस्ट कर देंगे, देन कंटेंट सेक्शन हम इसमें से रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हम एक डी बनाएंगे क्लास फॉर्म ग्रुप
और यहाँ पर होगा लेबल, तो और होगा एंटर अमाउंट इनपुट टाइप टेक्स्ट, देन नेम होगा इसका अमाउंट एंड इसकी आईडी होगी अमाउंट, और इसमें हम प्लेस होल्डर देंगे एंटर अमाउंट, और इस पर हम एक क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल, और इसके बाद हम एक और ड्यू यहाँ बनाएंगे क्लास फॉर्म ग्रुप ग्रुप, एंड यहाँ पर हम बटन देंगे और इसको क्लास देंगे btn हाइफन सक्सेस, देन यहाँ देंगे हम एट सेव। देन हम इस पेज को अगर रिलोड करते हैं तो हमारा कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है, हमारे यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल क्लास ने काम नहीं करा है, तो हम देखते हैं ऐसा क्यों हो गया। form फॉर्म अंडरस्कोर सीओ इंट्रोल रिफ्रेश, तो ये हमारी क्लास एड हो चुकी है। देन इसका हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप से इसका इंक्रीज करेंगे, कितने रखेंगे हम 178 178। देन रिफ्रेश, तो ये इसका हमने अमाउंट सेक्शन के लिए कर चुके हैं 160 140 सही रहेगा, तो ये अमाउंट के लिए है इसका, यहाँ से हम इसके अमाउंट ऐड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी के इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस अमाउंट को हम इसके डेटाबेस में इंसर्ट कराएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसके अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।